खमागणी जयपुर। तो फाइनली हम जयपुर के हवा महल में आ गए और अब हम जाएंगे टिकट लेने। महल बनवाए थे वो महाराजा सवाई प्रताप ने बनवाया था और ये हवा महल 1799 में बना था। हवा महल के अंदर बहुत खूबसूरत सा फाउंटेन भी है जो इसकी आर्किटेक्चर को देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं हवा महल के फर्स्ट फ्लोर पे और आपको दिखाएंगे वहाँ से व्यू पूरे जयपुर का। बात बता दूं कि यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए ये झरोखे बंद कर दिए गए हैं। तो हम हवा महल के सेकेंड फ्लोर पर आ चुके हैं और मैं एक ऐसे जगह बैठी हूँ जहाँ से आप सेल्फी लेना चाहें तो आप बहुत ही खूबसूरत सेल्फी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो हम फाइनली हवा महल के टॉप फ्लोर पर आ गए हैं और यहाँ से आप पिंक सिटी का व्यू देख सकते हैं। आर्किटेक्चर बना हुआ है ये प्रॉपर भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है जो कि यहाँ पे आपको हवा महल का मॉडल दिख रहा होगा कि किस किस तरीके से हवा महल को डिज़ाइन किया गया है। खमागणी जयपुर। तो फाइनली हम जयपुर के हवा महल में आ गए हैं। तो राजस्थान में बसा ये पिंक शहर जयपुर और जयपुर के बीचों बीच बसा ये हवा महल अपनी सुंदरता और अपनी डिज़ाइन से सबको आकर्षित करता है। तो आज हम चलेंगे जयपुर के हवा महल के अंदर और एक्सप्लोर करेंगे हवा महल को। देन लेट्स एक्सप्लोर विद योर शेफ। हे गाइस, तो फाइनली हम जयपुर के हवा महल में आ गए और अब हम जाएंगे टिकट लेने के लिए ताकि हम हवा महल के अंदर एंट्री कर सकें। तो चलते हैं टिकट लेने। तो फाइनली हमने टिकट ले लिया है और आपको यहाँ पर टिकट का प्राइस भी मैं बता देती हूँ। इंडियन सिटीज़न टिकट प्राइस है वो 52 है और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका 22 लगेगा और अगर आप फॉरेनर हो तो फॉरेनर का एक प्राइस 202 है और यहाँ पर अगर फॉरेनर स्टूडेंट है तो उनका 102। तो ये प्रॉपर टिकट प्राइस है हवा महल का। तो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं हवा महल को। चलते हैं मंदिर और एंट्री करते हैं। 3% हाँ। तो हवा महल का आप इंटीरियर आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। इसके डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो चलेंगे और भी ऊपर हवा महल के ऊपर हम जाएंगे और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें हवा महल के अंदर। बहुत खूबसूरत सा फाउंटेन भी है जो कि अभी बंद हो रखा है, अभी इसका काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर फाउंटेन के लिए ये प्लेस बनाया गया है जो हवा महल का बोर्ड आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, उसका प्रॉपर डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। ये जो हवा महल बनवाए थे वो महाराजा सवाई प्रताप ने बनवाया था और ये हवा महल 1799 में बना था। महल के फर्स्ट फ्लोर पे और आपको दिखाएंगे वहां से व्यू पूरे जयपुर का। लेट्स गो।
मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कितने झरोके, तो यहाँ पर 953 झरोके हैं और इन झरोखों से यहाँ की रानियाँ जयपुर का व्यू देखा करती थी, तो हम भी रानियों की तरह यहाँ का बाहर से व्यू देखेंगे, तो चलते हैं झरोखों के पास। झरोखे से यहाँ पर बाहर का व्यू देखने वाली हूँ। दूसरे साइड का झरोखा बंद करके रखा गया, बट दूसरे साइड में आप जाओगे तो वहाँ पर कुछ झरोखे खुले हैं, तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाऊंगी, तो चलते हैं व्यू देखते हैं बाहर से। आर्किटेक्चर को आप देख सकते हैं, ये 16th सेंचुरी में बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा साउंड इको भी हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे झरोखे बनाए गए हैं। इन झरोखों को बनाने के पीछे का कारण ये था कि यहाँ पर जो भी उनकी महारानियाँ रानियाँ जो होती थी, अगर वो बाहर नहीं निकल पाए तो इन झरोखों का नज़ारा देख सके, जयपुर को पूरी तरीके से देख सके, तो इसलिए झरोखों को बनाया गया। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए ये झरोखे बंद कर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि इसके दरवाजों को बंद कर दिया गया, आप उधर नहीं जा पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ झरोखे ही झरोखे हैं, जो कि काफ़ी सुंदर है। पहले के टाइम में रानियाँ यहीं से बाहर का नज़ारा देखा करती थी। तो आप इसकी आर्किटेक्चर को देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इस वर्क को देख सकते हैं, इस डिज़ाइन को देख सकते हैं, कितनी बारीकी से बनाया गया और सारा हैंडवर्क है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और कलर्स का भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है इसमें। तो हम हवा महल के सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं और मैं एक ऐसे जगह बैठी हूँ जहाँ से आप सेल्फी लेना चाहें तो आप बहुत ही खूबसूरत सेल्फी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। साथ में आप पीछे झरोखे भी देख सकते हैं कि पीछे झरोखे भी है, और साथ में मैं आपको यहाँ का ओवरव्यू दिखाऊंगी कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ का व्यू। प्रॉपर यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इंटीरियर सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फाइनली हवा महल के टॉप फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ से आप पिंक सिटी का व्यू देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर लग रहा है पिंक सिटी। और सामने आपको उस पहाड़ के ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट भी दिख रहा होगा, जो कि दूर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ से आप ओवरऑल जयपुर को देख सकते हैं। यहाँ से हवा महल के बाहर का व्यू देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हवा महल के नीचे, हवा महल के आसपास बहुत सारे मार्केट्स भी आप देख सकते हैं। साथ में आपको सामने कैफ़े भी दिख जाएगा, आपको खाने पीने की भी टेंशन नहीं है कि आप घूमने आते हो तो आराम से यहाँ पे कैफ़े भी है, तो आप कैफ़े में जाके फूड का भी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी आप और सारा व्यू देख सकते हैं कि मार्केट ही मार्केट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो आपको शॉपिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने आपको प्रताप मंदिर दिख रहा होगा, जो कि अभी इसको बंद करके रखा गया है। हम दूसरे साइड में चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसका व्यू।
यहाँ के जो राजा थे वो उनका स्टैचू है, तो यहाँ के राजा को देख के आपको उनके स्टैचू को देख के आपसे दिख रहे हैं कि बिल्कुल ये रियल है। और इनके प्रॉपर राजपुताना लुक को देख सकते हैं कि जो कि राजा, यहाँ पे आपको हवा महल का मॉडल दिख रहा होगा कि किस किस तरीके से हवा महल को डिज़ाइन किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं इस मॉडल में डिस्क्राइब किया हुआ। तो मैं आपको नज़दीक से जाके इस मॉडल को दिखाती हूँ। महल का टूर कराया जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग था, और मैंने भी कोशिश किया है कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे ये वीडियो, और हमने बहुत मस्ती की। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं, बाय।